जरा सोचो अगर किसी की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब हो, वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन एक के बाद एक फेलियर्स उसे मिलते ही रहे, एक काम सही हो और 100 काम खराब हो जाए, ऐसा कभी किसी के साथ होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, इससे भी बुरा होता है। और ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल होते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरी दुनिया उनको पहचानती है, अपना रोल मॉडल बनाती है, उनको फॉलो करती है। आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जिसमें कभी कभी आपको लगेगा कि किसी की किस्मत इतनी बुरी कैसे हो सकती है यार। आपको आपकी तकलीफें, आपके प्रॉब्लम्स, आपके फेलियर्स बहुत ही छोटे लगने लगेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, यहाँ पर आपको नेशनल इंटरनेशनल फिल्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और यहाँ पर हम आपको जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जितनी स्ट्रगल स्टोरीज है, नेशनल इंटरनेशनल हर सेलिब्रिटी की बात है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार, मेगा स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की ये लाइफ स्टोरी है। 6 जुलाई 1946 को उनका जन्म होता है। जन्म होते ही मुसीबतें शुरू हो जाती है, जैसे कि प्रॉब्लम्स वेट ही कर रहे थे कि भाई आजा, तेरा इंतजार था। उनके बर्थ के वक्त डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे और उसी की वजह से उनका हाफ फेस पैरालाइज हो जाता है। अभी तो दुनिया में कदम ही रखा है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हाफ फेस पैरालाइज हो गया, जिसका इफेक्ट आज भी आप देख पाएंगे। अगर उनके चेहरे को, उनकी तस्वीरों को, उनके वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे, उनके फेस पर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो। थोड़े बड़े हुए माता पिता का तलाक हो गया और उस चक्कर में उस छोटे से बच्चे, उस छोटे से स्टैलोन की स्ट्रगल और बढ़ जाती है। उसे ना ठीक से माँ का प्यार मिल पाया, ना ठीक से बाप का प्यार मिल पाया, और उसकी वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया। पढ़ाई में भी कुछ फोकस नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे स्कूल्स ने उनको निकाल दिया। आगे चल के बच्चे ने, मतलब उस छोटे से स्टैलोन ने एजुकेशन ही छोड़ दिया डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अपनी लाइफ में एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, एक एक्टर बनेंगे। और उसके बाद वो आ गए न्यूयॉर्क अपना सपना पूरा करने के लिए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, वही स्ट्रगल वाली जिंदगी, प्रोडक्शन ऑफिस में जाना, लाइन में खड़े रहना, लोगों को कन्विंस करना, अपनी प्रोफाइल दिखाना, ये सब चलता रहा। काफ़ी धक्के खाए लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। स्टैलोन स्क्रिप्ट भी लिखते थे तो उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ से नहीं हो रहा है कुछ तो स्क्रिप्ट के थ्रू अगर कुछ हो जाए, इंडस्ट्री में एंटर होने का मौका मिले, तो वो भी ट्राई कर लिया। बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखी, प्रोड्यूसर्स से मिले, दिखाया, लेकिन लोगों ने उनका काम पसंद ही नहीं किया। सब जगह से रिजेक्शन मिलते रहे, एक्टिंग में भी और राइटिंग में भी। काफ़ी सालों के बाद करीबन 1970 से 75 के बीच में उनको छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हुआ, लेकिन ऐसे रोल जो कभी दिखाई नहीं देते थे। सिल्वेस्टर स्टैलोन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मतलब पैसे तो ठीक से नहीं मिल रहे थे लेकिन करियर का भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने ये 4-5 साल किया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, फाइनेंशियली धीरे धीरे टूट रहे थे, सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना ज़रूरी था। और इस उम्मीद के साथ कि कभी तो मुझे सेंटर में आने का मौका मिलेगा, लोग मुझे देखेंगे, मुझे लीड में काम मिलेगा। उसी दौरान उन्होंने शादी भी कर ली और शादी के बाद जिम्मेदारियाँ और प्रेशर और बढ़ गया और मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन ज़िंदगी जैसे रूठ के बैठी थी कि बेटा तू कुछ भी कर ले, सक्सेस तो तुझे नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, स्टैलोन फाइनेंशियली टूटते जा रहे थे क्योंकि कहीं से भी ठीक से पैसा नहीं आ रहा था। ऐसा वक्त आ गया कि खाने के लिए भी जेब में पैसे नहीं होते थे, परिवार को 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खिला पाते थे। लेकिन सिल्वेस्टर लड़ते रहे। लेकिन जब इतने फेलियर्स मिलते हैं किसी को तो इंसान टूटता है, वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो यार, रहेगा तो इंसान ही ना। सिल्वेस्टर ने बहुत मेहनत की, मजबूर हो गए थे पैसों के लिए और उन्होंने खाने के इंतज़ाम के लिए अपने बीवी के जेवर तक चुरा लिए और उन्हें मार्केट में जाके बेच दिया। ज़रा सोचो कि क्या सिचुएशन रही होगी, अंदाज़ा लगा लो। और इतना होने के बाद भी वक्त ने कह दिया था कि मैं तो नहीं बदलूँगा भाई। ऐसे दिन आ गए कि उन्हें 3 दिन न्यूयॉर्क के बस स्टेशन में सोना पड़ा। उनके पास एक कुत्ता था जिसे वो बहुत प्यार करते थे, उसका भी ध्यान नहीं रख पा रहे थे, ऑब्वियसली खुद के खाने के पैसे नहीं थे, कुत्ते को कहाँ से खिलाएंगे। तो उसको बेचने के लिए तैयार हो गए, एक शराब की दुकान के पास जाकर सबसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये कुत्ता आप रख लो, जो भी दे सकते हो ये दो। एक आदमी तैयार हुआ, $25 दिया उस कुत्ते के, उस आदमी ने।
सिल्वेस्टर के लिए वो जान था। रोते रोते उस आदमी को अपना कुत्ता बेच दिया $25 में। कितने मजबूर हो गए यार। कुछ दिनों के बाद कहीं पर उन्होंने पढ़ा कि सॉफ्ट पॉर्न फिल्म्स में लड़कों की जरूरत है। स्टैलोन ऐसे मुकाम पर थे, उनके पास दो चॉइस थी, या तो वो पैसों के लिए अपने परिवार के लिए चोरी करना शुरू कर दे, या तो फिर ये पॉर्न फिल्म्स के अंदर काम करना शुरू कर दे ताकि कुछ पैसे मिले और परिवार को एटलीस्ट दो वक्त का ठीक से खाना खिला पाए। उन्होंने पॉर्न फिल्म्स को चुना। क्या बनने आए थे और हालात ने, किस्मत ने कहां पर लाकर छोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने रास्ते में भीड़ देखी, लोग इकट्ठा हुए थे, और नज़दीक जाके देखा तो किसी दुकान के बाहर टीवी के अंदर सब कुछ देख रहे थे। स्टैलोन ने देखा कि एक मैच चल रही है, बॉक्सिंग मैच, जिसमें मोहम्मद अली और वेपनर की लड़ाई हो रही है, और मोहम्मद अली वेपनर को लगातार मार रहे पंचीस, लेकिन वेपनर हार नहीं मान रहे, बार बार खड़े हो रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। वो देखकर स्टैलोन के दिमाग में एक आइडिया आया, भाग कर घर पर गए और एक नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। 24 घंटे तक कांस्टेंट लिखते रहे, स्क्रिप्ट पूरी की और उसे नाम दिया रॉकी। उन्हें महसूस हो चुका था कि ये स्क्रिप्ट मेरी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने इस स्क्रिप्ट को लेकर फिर से प्रोड्यूसर से मिलना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन ऑफिस में जाना शुरू कर दिया, और अगेन सब ने रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या लिखा है यार। लेकिन इस बार स्टैलोन को पता चल गया था कि ये कोई आम स्क्रिप्ट नहीं है, और एक सबसे बड़ी बात, दुनिया कह देगी कि आपका काम अच्छा नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो उससे आपका काम बुरा नहीं हो जाता है, आप बेकार नहीं हो जाते हो। इस बात को ध्यान से समझना, आपके साथ भी एक, हर आदमी के साथ ये होता है, आप बहुत मेहनत करते हो, किसी चीज़ को बनाते हो, जो भी आपका काम आप करते हो, फिर कोई कह देता है या फिर सब कह देते हैं कि आपको कुछ आता नहीं, आप ढंग का काम नहीं करते हो। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि ज़्यादातर लोग इस बात को मान लेते हैं। स्टैलोन की बात पर वापस आते हैं, उन्होंने लोगों से मिलना बंद नहीं किया, स्क्रिप्ट लेकर बहुत धक्के खाए, बहुत लोगों को मिले, आखिरकार उनको प्रोड्यूसर्स मिल गए। प्रोड्यूसर्स ने उस स्क्रिप्ट के लिए $1,00,000 ऑफर किए। ज़रा सोचो, उस बंदे को जिसको 3 दिन बस स्टेशन में सोना पड़ा था, अपने जान से ज़्यादा प्यारे कुत्ते को $25 में बेचना पड़ा था, बीवी के गहने बेचने पड़े थे खाना खाने के लिए, पॉर्न फिल्म्स में बंदे ने काम कर लिया, उसको कोई $1,00,000 दे रहा है, कोई ना कहेगा क्या? स्टैलोन ने पैसे नहीं लिए। उन्होंने कंडीशन रखी कि स्क्रिप्ट में तभी दूंगा जब आप मुझे एज अ लीड इस फिल्म में काम देंगे। प्रोड्यूसर ने बोला, मजाक कर रहे हो क्या, ये मुमकिन नहीं है, आप अपनी स्क्रिप्ट वापस ले जाओ। और सुनो, तुम राइटर हो, राइटर हीरो हो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, ठीक से बोल तो पा नहीं रहे हो आप। स्टैलोन ने कहा कि ठीक है, स्क्रिप्ट तो मैं नहीं दूंगा। उन्होंने क्योंकि नज़दीक का नहीं दूर का सोचा था, लेकिन एक बात है कि इतने मुश्किल से एक प्रोड्यूसर मिला था, कोई भी होता तो कहता कि देख लेंगे आगे, भाई अभी तो ले लो स्क्रिप्ट, आप पैसे दे दो। लेकिन स्टैलोन ने ऐसा नहीं किया। घर पर आ गए, कुछ दिनों के बाद प्रोड्यूसर्स का फिर से फोन आया, कहा कि थोड़े पैसे और बढ़ा देते हैं, स्क्रिप्ट दे दो भाई, अब छोड़ो, जीत छोड़ो, हीरो उसके लिए तुम नहीं बने हो, तुम राइटिंग बहुत अच्छा करते हो। स्टैलोन ने कहा कि नहीं नहीं सर, स्क्रिप्ट तो मैं तभी दूंगा जब आप मुझे हीरो लेंगे। सिलसिला चलता रहा, प्रोड्यूसर ने $4,00,000 तक ऑफर कर दिया, लेकिन स्टैलोन की एक ही कंडीशन, हीरो तो मैं ही बनूंगा अगर ये स्क्रिप्ट पर फिल्म बनेगी। आखिरकार प्रोड्यूसर उनकी बात मान गए, लेकिन उन्होंने भी एक अजीब कंडीशन रखी, आपको हीरो ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट का और आपका दोनों का बजट मिलाकर आपको सिर्फ $35,000 ही मिलेगा। स्टैलोन ने कहा कि डन, शुरू कब करना है। उसके बाद रॉकी फिल्म बनी और मार्केट में ना आग लगा दी, सुपर डुपर हिट, 3 ऑस्कर जीती थी, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट डायरेक्शन। सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर में। सिल्वेस्टर स्टैलोन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, रातों रात सुपरस्टार बन गए थे दुनिया के लिए। स्टैलोन को पता था कि वो रात जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, बहुत ज़्यादा लंबी थी। और एक बात मुझे स्टैलोन की बहुत अच्छी लगी, वो जो पैसे मिले थे $35,000, सोचो कि ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन इतने ही मिले स्क्रिप्ट के, एक्टिंग के, सबके मिला के, उस पैसे का तो कुछ ठीक ठाक करेगा ना बंदा। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है, वो शराब की दुकान के पास गए जहाँ पर अपने कुत्ते को बेच दिया था, उस बंदे को ढूंढने के लिए जिसको ये कुत्ता बेचा था। 3 दिन तक वहाँ पर वेट किया, रोज़ धक्के खाते रहे,
जब बंदा आया तो उसको बोला कि भाई वो मैंने मजबूरी में किया था, पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन ये जान है मेरी, ये कुत्ता आप मुझे वापस दे तो मैं आपको $100 देता हूँ, मैंने 25 में लिया बेचा था आपको, लेकिन आपको मैं $100 देता हूँ। सामने वाला बंदा नहीं माना, बोला कि मैं आपको 200 देता हूँ भाई साहब, लेकिन ये कुत्ता मुझे दे दो। वो नहीं माना, $300, $400, $500 देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बंदा नहीं माना। $1,000 देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बंदा नहीं माना। स्टेलोन ने कहा कि $15,000 दूंगा, बोल अब देगा। वो बंदा मान गया, $25 में बेच के $15,000 में खरीदा, 35,000 पेमेंट मिला था, उसमें 15,000 इसमें चले गए। और ज़रा सोचो, इतना प्यार करते थे उस कुत्ते से और उसको $25 में बेच दिया था, तो कितने मजबूर हो गए उस वक्त पे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने उस कुत्ते को वापस अपने घर पर लेके आए। आगे सेलोन की सारी फिल्म्स आपको पता होगी, और आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई ऐसा सिनेमा लवर होगा जो सिल्वेस्टर स्टेलोन को नहीं जानता होगा। एक लड़का जिसका हाफ फेस पैदा होने के तुरंत ही पैरालाइज हो गया, बड़ा होने के बाद इतनी तकलीफें हो रही थी, माता पिता का तलाक हो गया, किस्मत ने हर तरीके से आजमाने में, तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लड़का हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया और आज भी टॉप स्टार्स में उनको गिना जाता है। मोरल ऑफ द वीडियो इज डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क से किस्मत को बदला जा सकता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, ये बात बहुत लोगों ने बहुत बार प्रूव कर दी है। बस अब देखना यही है कि हम उस बात के ऊपर कितना यकीन करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं पढ़ना चाहूँगा कि आपका क्या रिएक्शन है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ भूल जाओ, मे बी इससे बड़े या इस लेवल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के प्रॉब्लम्स इससे छोटे ही होंगे, और ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से लोग सर पकड़ कर बैठे हुए होंगे। तो इस स्टोरी को जब जब भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो इस स्टोरी को याद कर लेना, आपको एक नई उम्मीद मिलेगी, एक नया मोटिवेशन मिलेगा। अगर कुछ कहना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैसेज कर सकते हो। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोगों ने पूछा कि आप टिकटॉक पर रेगुलर क्यों नहीं आते हो। टिकटॉक पर मैं बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, कभी कभी वीडियोस बनाता हूँ, वक्त नहीं मिलता है, लेकिन अब से मैं रेगुलरली वीडियोस बनाऊँगा। कंटेंट क्या होगा ये आप वहाँ पर जाकर देखना। आईडी है मेरा जसमीन पटेल 30, JASMINPATEL30। वीडियो अब से शुरू होंगे। अभी तक तो बहुत कुछ रखा हुआ है, जो भी मन किया जब भी फ्री हुए थे कुछ ना कुछ बना लिया था, लेकिन अब से एक पर्टिकुलर कंटेंट आपको वहां पर देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि वो भी अच्छा लगेगा। जाने से पहले वक्त है शाउट आउट्स का। लास्ट वीडियो में आपको पूछा गया था कि माइकल जैक्सन के किसी भी तीन गानों या किसी भी तीन एल्बम का नाम आपको बताना है। टॉप थ्री में जिन्होंने आंसर दिया उनका नाम है प्रतिज्ञा सिंह, मुकेश ओझा एंड ललित चंद। वेल डन आप तीनों को, हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। आज का सवाल है कि आपको सिल्वेस्टर स्टैलोन की किसी भी तीन फिल्म का नाम बताना है। बहुत सिंपल है, कमेंट कीजिए अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।